हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द क्रिप्टो ट्रैकर्स इंडिया। तो इस वीडियो में मैं आपके पास लेके आया हूँ क्राकेन एक्सचेंज के बारे में। क्राकेन एक्सचेंज क्या है? एक क्राकेन यूएस बेस्ड एक्सचेंज है और कॉइन बेस का कॉम्पिटिटर माना जाता है। मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से क्राकेन पे रजिस्टर करना है और KYC वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है क्राकेन का, उसे कॉपी कर लीजिए और ब्राउजर में जाकर उसे ओपन कर लीजिए या फिर डायरेक्टली यहाँ से क्लिक कर लीजिए। अब ये करने के बाद सबसे पहले आप क्या कीजिए, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कीजिए। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा, साइन अप फॉर्म खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद पासवर्ड डालना है। यहाँ पे एक डमी ईमेल आईडी से मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक डमी ईमेल आईडी डाल देता हूँ। ठीक, उसके बाद एक यूज़र नेम चूज करना है। यूज़र नेम कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे मैंने टेक क्रू डाल दिया। पासवर्ड चूज करना है, कोई भी रैंडम पासवर्ड यूज़ कर लीजिए, उसमें एक कैरेक्टर वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद अपनी कंट्री सेलेक्ट कीजिए, इंडिया सेलेक्ट किया और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर दीजिए। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर दिया, इसका मतलब आपका एक अकाउंट क्रिएट हो गया। आपके ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन मिलेगा, उस वेरिफिकेशन मेल को कन्फर्म कर दीजिए और यूज़ कीजिए। अब यहाँ पे क्योंकि मेरे पास एक ऑलरेडी अकाउंट है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उस पर आपको दिखाता हूँ कि अब KYC कैसे वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले KYC की ज़रूरत क्या है, क्योंकि ये यूएस बेस्ड एक्सचेंज है तो यहाँ पे आप कोई भी चीज़ आप नहीं कर सकते जब तक आप KYC वेरीफाइड ना हो। तो KYC वेरीफाई होने के लिए क्या करना है, आपको वेरीफाई योर अकाउंट फॉर फियाट, यानी अगर आपको फियाट से ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए आपको अपना KYC अकाउंट वेरीफाई करना पड़ेगा। हमें कोई ज़रूरत नहीं है इंडिया वालों को करने के लिए, लेकिन अगर आपको पैराचेन के ऑप्शंस में इसमें करना है, ठीक है, अगर पैराचेन ऑप्शंस में पार्टिसिपेट करना है क्राकेन के, तो यहाँ से आपको KYC वेरीफाई करना पड़ेगा। तो KYC वेरीफाई करने का तरीका मैं बता देता हूँ आपको। वेरीफाई योर अकाउंट फॉर फियाट पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ये बता रहा है कि फंड योर अकाउंट, और यहाँ पे इसकी पूरी लिस्ट है कि जो भी क्रिप्टो करेंसी इस पर लिस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम सिक्योरिटी पे जाके इसकी 2FA कर दी है। उसके बाद हमें आइडेंटिफिकेशन पे जाके वेरीफाई करना है। ठीक है, स्टार्टर वेरीफाइड है क्योंकि मैंने ईमेल आईडी से वेरीफाई कर लिया। अब इंटरमीडिएट हमें चाहिए, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ठीक है, वेरीफाई पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है अगर आपने KYC वेरीफाई नहीं किया, खाली ईमेल आईडी से कर रहे हो। ठीक है, राइट, अब ये है हमारा, इसको KYC वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे अब हम ऊपर जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास है इंटरमीडिएट, इस पर हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करते ही हमारे पास सारी डिटेल्स आ जाएंगी। अब हमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी है। अब इसने बोला है कि अपनी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट डालिए, तो यहाँ पे मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी कार्ड में आप आधार कार्ड भी डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी पासपोर्ट की डिटेल्स डाल दे रहा हूँ क्योंकि वो मेरे लिए काफ़ी ईजी है और काफ़ी ईजिली एक्सेप्ट हो जाती है किसी भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपने पासपोर्ट की इमेज मैंने डाल दी, ये अपलोड हो गई। ठीक है, ऊपर मैंने पासपोर्ट नंबर डाल दिया और ये हमारा आगे का प्रोसेस शुरू कर रहा है। ठीक है, पासपोर्ट मैंने डाल दिया, अब वेट करते हैं, वेट कीजिए। वेट करने के बाद ये आपसे और डिटेल, अब मेरे को क्या करना है, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस डालना है। तो इसमें आपको यूटिलिटी बिल, बैंक स्टेटमेंट ही डालना होता है जो कि रिसेंट 3 मंथ्स का हो। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब अपना बैंक स्टेटमेंट मैं डाल दूंगा। यहाँ पे मैंने बैंक स्टेटमेंट डाल दिया। अब ये फिर से अपना प्रोसेसिंग कर रहा है, यानी ये डॉक्यूमेंट को अपलोड कर रहा है अपने सर्वर पे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सक्सेस, योर अकाउंट इज बीइंग वेरीफाइड, मतलब कि आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुके हैं। अब क्राकेन वाले आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद आपका यहाँ पे ग्रीन टिक आ जाएगा कि आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। और आप ये इसमें कम से कम 2 से 3 दिन लगेंगे, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप जितनी जल्दी हो सके रजिस्टर कर लीजिए। तो क्राकेन एक्सचेंज का जो लिंक है, रजिस्ट्रेशन लिंक है, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्राकेन में रजिस्टर कर सकते हैं और KYC वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।